नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों अभी हम बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब के मुकाबले के बारे में, जो कि खेला जाएगा अक्टूबर 24, 2020 को। ये मतलब कल का ये दूसरा मुकाबला रहेगा दोस्तों। तो ये IPL 2020 का 42nd मुकाबला रहेगा, और जो कि फिर से एक बार बता दूं अक्टूबर 24 मतलब सैटरडे को खेला जाएगा कल का दूसरा मुकाबला दोस्तों, वापस बता दिया आपको। ठीक है दोस्तों, अभी बात करेंगे वेन्यू के बारे में, इस मैच के हेड टू हेड के बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में, टीम न्यूज़ के बारे में, टीम परफॉर्मेंस के बारे में, प्लेइंग इलेवन के बारे में, हॉट पिक्स के बारे में, हमारे हाई परफॉर्मर्स के बारे में, और ऑफकोर्स हमारे ड्रीम इलेवन की एक विनिंग टीम के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रेडिक्शंस काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं पुराने वीडियोस दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि ये दोनों टीमों के बीच का सेकंड मैच है। जो फर्स्ट मैच हुआ था उसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने बाजी मारी थी दोस्तों। सनराइजर्स हैदराबाद ने 201 रन बनाए थे, जिसके आगे किंग्स इलेवन पंजाब सिर्फ 132 रन पर ऑल आउट हो गई थी। तो एक बड़ा मुकाबला जीती थी सनराइजर्स हैदराबाद दोस्तों। अभी जो हाई परफॉर्मेंस रहे पिछले इन दोनों के मुकाबले में, वो थे बेरिस्टो 97 रन बनाए थे, वार्नर ने 52 रन बनाए थे, बिश्नोई ने 3 विकेट चटकाए थे दोस्तों पंजाब की तरफ से, और अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट चटकाए थे पंजाब की तरफ से। अगर पंजाब से परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बैटिंग में सब फ्लॉप हो गए थे एक्सेप्ट निकोलस पूरन। पूरन ने बहुत ताबड़तोब 77 रन का पारी खेला था दोस्तों, बट अपनी टीम को मैच जिता नहीं पाए थे। अगर सनराइजर्स की बॉलिंग की बात की जाए तो रशीद जी खान ने 3 विकेट चटकाए थे, और खलील अहमद और नटराजन ने 2-2 विकेट चटकाए थे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। ये तो हो गया पिछले मुकाबले के बारे में दोस्तों। तो चलिए कल वाले मुकाबले की बात करते हैं, सबसे पहले वेन्यू के बारे में। तो दोस्तों वेन्यू रहेगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मतलब जो कल का मैच है वो दुबई में खेला जाएगा। ऑफकोर्स आपको पता ही है बाउंड्रीज बड़ी है दोस्तों, ऑफकोर्स मैदान भी बड़ा है, और अभी अगर पिच की बात की जाए तो पिच स्लो डाउन हो चुका है बाकी अदर पिचेस की तरह। बैटिंग और बॉलिंग के लिए दोनों को साथ देगा, मतलब न्यूट्रल रहेगा, फिर भी पेसर को थोड़ी बहुत मदद मिलने की संभावना है दोस्तों। अगर टीम पहले खेलते हुए 170 का स्कोर बना लेती है तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं हेड टू हेड के बारे में। तो दोस्तों दोनों टीमों ने अभी तक 15 मैचेस एक दूसरे के सामने खेले हैं, जिसमें सनराइजर्स का पलड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी है। एक्चुअली 11 मैच जीत चुके हैं वो, पंजाब सिर्फ 4 मैचेस जीती, सरप्राइजिंग है बट यही है दोस्तों। 15 मैचेस में से 11 मैचेस सनराइजर्स ने जीता है, और पंजाब सिर्फ 4 मैचों में जीत पाई है अभी तक IPL में सनराइजर्स के खिलाफ। तो ठीक है दोस्तों, टीम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। अभी सबसे पहले दो टाइप की टीम परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा दूंगा, एक तो दुबई में इन दोनों टीम का परफॉर्मेंस कैसा है, दूसरा ओवरऑल IPL में। तो सबसे पहले बात करते है दुबई के टीम परफॉर्मेंस के बारे में, तो मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं दोस्तों। सनराइजर्स अभी तक यहां पे 6 मैचेस खेल चुकी है, जिसमें से उनका 50-50 परफॉर्मेंस रहा है, मतलब 3 में जीत हासिल हुई है और 3 में हार का सामना भी उन्हें करना पड़ा है। वही बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब यहां पे 5 मैचेस खेली है और उनका प्रदर्शन सनराइजर्स से डाउन रहा है, जब क्योंकि उन्होंने 3 मैचेस हारी है यहां पे और सिर्फ 2 मैचेस में उनको जीत मिली है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पलटा सनराइजर्स की तरफ भारी है दोस्तों, पर फिर भी कल का मैच एक अच्छा मैच देखने मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। अगर IPL में दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सनराइजर्स 10 मैच खेला है, उसमें से 4 मैच जीता है और 6 मैचेस हार के 5th पोजीशन पर अभी तक IPL 2020 के पॉइंट्स टेबल में है। तो दोस्तों वही सेम नज़ारा किंग्स इलेवन पंजाब का भी है, 10 मैचेस खेले हैं, 4 मैचेस जीते हैं, 6 मैच वो भी हारे और 6th पोजीशन पे है। अभी आप बोलेंगे कि ये 5th पे और 6th पे ये रन रेट का इशू है दोस्तों, सनराइजर्स का रन रेट किंग्स इलेवन पंजाब से अच्छा है, इसी वजह से सनराइजर्स 5th पोजीशन पे है और किंग्स इलेवन पंजाब 6th पोजीशन पे है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हाई परफॉर्मेंस की इस ग्राउंड पे, मतलब दुबई में जो इंडिविजुअल हाई परफॉर्मेंस रहे हैं उस बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। जॉनी बेरिस्टो काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी किए हैं इस ग्राउंड में, 2 हाफ सेंचुरीज लगा चुके, एक बार शतक से भी थोड़ा चूक गए थे दोस्तों, 61 एंड 97 उनका एक स्कोर रहा था यहाँ पे। डेविड वार्नर भी अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आए यहाँ पे, 52 एक हाफ सेंचुरी लगा चुके, एक बार 48 भी लगा चुके हैं। मनीष पांडे ऑफकोर्स पिछले मैच में जिन्होंने ताबड़तोब बल्लेबाजी की थी वो इसी पिच पे आई थी दोस्तों, इसी ग्राउंड पे आई थी, 2 हाफ सेंचुरीज वो भी लगा चुके। प्रियम गर्ग भी यहाँ पे एक हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। केन विलियमसन शायद से वापस कल खेलते हुए ना दिखे, उन्होंने भी एक हाफ सेंचुरी लगाया था इसी ग्राउंड पे। विजय शंकर ने जो पिछले मैच में मनीष पांडे के साथ जो भागीदारी किया था, जो हाफ सेंचुरी मस्त अच्छा वाला हाफ सेंचुरी बनाया उन्होंने, वो इसी ग्राउंड पे आया है दोस्तों।
और अगर बॉलिंग की बात की जाए सनराइजर्स की तरफ से, पिछले मैच में ही होल्डर ने 3 विकेट चटकाए थे, वो इसी ग्राउंड पे थे। मतलब जो पिछला वाला मैच सनराइजर्स पे जीती वो इसी ग्राउंड पे था दोस्तों, तो मोमेंटम अभी उनके साथ है। संदीप शर्मा 1 बार 2 विकेट चटका चुके हैं, नटराजन 2 बार 2-2 विकेट चटका चुके हैं, खलील अहमद भी एक अच्छा परफॉर्म किए इस ग्राउंड पे, 3 बार 2-2 विकेट चटका चुके हैं। और ऑफकोर्स अगर सनराइजर्स है तो रशीद खान कहाँ पीछे रहेंगे, 1 बार 3 विकेट और 1 बार 2 विकेट वो चटका चुके हैं इस ग्राउंड पे। अगर पंजाब की बात की जाए तो लोकेश राहुल ऑफकोर्स जो उनके सबसे बेटर बेस्ट परफॉर्मर है, उन्होंने इस ग्राउंड पे 1 शतक लगाया और 2 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। मयंक अग्रवाल भी 1 हाफ सेंचुरी यहाँ पे लगा चुके हैं और निकोलस पुरन ने भी 2 हाफ सेंचुरीज यहाँ पे लगाई है, जो 177 का स्कोर पंजाब के खिलाफ ही उनका आया था और 53 और एक उन्होंने 50 बनाई है। शमी ने 1 बार 3 विकेट 2 बार 2 विकेट यहाँ पे ले लिए, रवि बिश्नोई ने 2 बार 3-3 विकेट लिए है दोस्तों, मुर्गन अश्विन ने भी 1 बार 3 विकेट लिए है, अर्षदीप सिंह ने 2 बार 2-2 विकेट का हॉल यहाँ पे लिया है। तो ये रहते हैं दोस्तों इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इस ग्राउंड पे प्लेयर्स के कैसे रहे। तो यहाँ पे हमने सब अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस की बात कर ली है, ये हमें फ़ायदा देंगे दोस्तों ये परफॉर्मेंस जो हमने नोट कर लिए है, क्योंकि हमें ड्रीम इलेवन का जब हम टीम बनाएंगे तब ये काम आ जाएगा। तो दोस्तों प्लेइंग इलेवन की बात करते हैं, अभी प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन क्या रहेगा कल की मैच के लिए। तो मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है। किंग्स इलेवन पंजाब की बात कर लेते हैं, केएल राहुल ऑफकोर्स रहेंगे, मयंक अग्रवाल रहेंगे, क्रिस गेल भी शानदार उनका अभी परफॉर्मेंस रहा है, 2 मैचों में उनको लिया है, दोनों मैचों में अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की है। निकोलस पुरन रहेंगे, ग्लेन मैक्सवेल भी पिछले मैच में थोड़े लय में दिखे हैं, 34 रन उन्होंने बनाए थे, तो शायद से कल वापस ग्लेन मैक्सवेल दिखेंगे और हमें वो पुराने वाले ग्लेन मैक्सवेल वापस देखने मिले जो कि परफॉर्म करते थे। दीपक हुडा रहेंगे दोस्तों, क्रिस जॉर्डन या फिर जेम्स निशम दोनों में से एक का शामिल हो सकते हैं, पर मेरे ख्याल से जेम्स निशम ही बेटर रहेंगे अभी पंजाब के लिए, तो जेम्स निशम ही कल यहाँ पे देखने मिलेंगे। रवि बिश्नोई रहेंगे, मुर्गन अश्विन भी काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं वो भी रहेंगे, मोहम्मद शमी और अर्षदीप सिंह, अर्षदीप सिंह ने भी अच्छा इंप्रेस किया है दोस्तों, भले ही पिछले मैच में ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी ना कर पाए बट अच्छे गेंदबाज है दोस्तों, कल हमें उनको फिर से देखेंगे ही कल खेलते हुए। सनराइजर्स हैदराबाद की बात की जाए तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है, मेरे ख्याल से विलियमसन वापस कल हमें देखने नहीं मिलेंगे क्योंकि उनकी जगह पे होल्डर को लिया था और होल्डर ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया था दोस्तों। तो डेविड वार्नर रहेंगे, जॉनी बेस्टो रहेंगे, मनीष पांडे रहेंगे, विजय शंकर रहेंगे, प्रियम गर्ग रहेंगे, अब्दुल समद रहेंगे, जेसन होल्डर ऑफकोर्स रहेंगे, रशीद खान रहेंगे, शाहबाज नदीम रहेंगे, टी नटराजन और संदीप शर्मा। तो मेरे ख्याल से सनराइजर्स में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि विनिंग टीम है, विनिंग इलेवन को ही वो कंटिन्यू करेंगे। अगर दोस्तों हॉट पिक्स की बात की जाए तो जो ऊपर के परफॉर्मेंस थे, बहुत ज़्यादा मैचेस इस ग्राउंड पे हो चुके हैं, इस वजह से ज़्यादा हॉट पिक्स भी हमारे पास रहेंगे, तो हमें कोशिश करना है कि हम सबको हमारी ड्रीम इलेवन की टीम में शामिल करें। बट ऑफकोर्स दोस्तों बड़ा मैच है, बड़े बड़े प्लेयर्स है, तो कुछ ना कुछ हमें हार्ड डिसीजन लेना होगा। तो चलिए बात करते हैं हॉट पिक्स की, लोकेश राहुल ऑफकोर्स हमारे हॉट पिक्स में रहेंगे, मयंक अग्रवाल रहेंगे, पूरन भी रहेंगे क्योंकि इस मैच इस ग्राउंड में पूरन का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहा है, क्रिस गेल रहेंगे, शमी रहेंगे, रवि बिश्नोई, अर्षदीप सिंह, ये रहेंगे हमारे किंग हॉट पिक्स किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से। अगर सनराइजर्स हैदराबाद की बात की जाए तो ऑफकोर्स ओपनिंग पेयर जो उनका है ज़बरदस्त पेयर है, डेविड वार्नर, जेनी बेरिस्टो दोनों रहेंगे, मनीष पांडे भी पिछले मैच में काफ़ी बेहतर परफॉर्म किए थे वो भी रहेंगे, नटराजन रहेंगे, रशीद खान रहेंगे और ऑफकोर्स जेसन होल्डर, पिछले मैच में फर्स्ट मैच में ही 3 विकेट चटकाए थे दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया था उन्होंने, तो वो भी हमारे हॉट पिक्स में रहेंगे। अभी जैसे कि आपको पता है, जैसे कि हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है ड्रीम इलेवन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा हमें कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट्स का दिक्कत हो रहा है इस मैच में, दोनों तरफ बड़े बड़े प्लेयर दिखीजिए, लोकेश राहुल, वार्नर, बेरिस्टो, मयंक अग्रवाल, पुरन, क्रिस गेल, अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्लेयर है दोनों तरफ, तो हमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा ट्रिक या फिर रिस्क लेना पड़ेगा, किसी को ड्रॉप करना पड़ेगा ताकि हमारे पॉइंट्स सही से बैठे और हम 100 पॉइंट्स के अंदर पूरी टीम बना सके। तो चलिए दोस्तों ड्रीम इलेवन का ऐप ओपन कर लेते हैं, तो मैं जाता हूँ ड्रीम इलेवन के ऐप पे, अभी मैं ड्रीम इलेवन के ऐप ओपन कर रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। और हमें जो सिलेक्ट करना है दोस्तों कल का दूसरा मुकाबला, कल आपको वापस एक बार बता दूँ 2 मुकाबले हैं, एक कोलकाता वर्सेस डीसी और दूसरा किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेस एसआरएच। तो मुझे कल, अभी बात कर रहे हैं हम किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेस एसआरएच के मुकाबले के बारे में, तो इसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों। ऑफकोर्स हमें टीम क्रिएट करनी है तो मैं क्रिएट टीम पर क्लिक करूँगा। अभी दोस्तों आपको जैसे पता ही है विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमें क्रिएट करना पड़ेगा विद इन 100 पॉइंट्स। हमारे पास 100 ही पॉइंट है और देखिए दोस्तों अगर आप देखेंगे 11, 10, 9,
बड़े बड़े पॉइंट्स है सबके पास, बड़े बड़े प्लेयर्स है यहाँ पे, तो थोड़ा कुछ चेंजेस तो हमें करने ही होंगे, कुछ रिस्क तो उठाना ही होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं विकेट कीपर से। ऑफकोर्स पहले जो दो ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, केएल राहुल और जॉनी बेरिस्टो, इनको मैं ड्रॉप नहीं कर सकता। और अभी मैं निकोलस पुरन के साथ नहीं जा रहा हूँ दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन में मैं निकोलस पुरन के साथ नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको और एक कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा जिसमें मैं उनको भी लूंगा और कुछ दूसरी एक रिस्क मैं उठाऊंगा। अभी मैं उन पे रिस्क ले रहा हूँ, मैं उनको शामिल नहीं कर रहा हूँ। बैट्समैन में जाते हैं दोस्तों, ऑफकोर्स वार्नर, अग्रवाल, गेल, इनको और मनीष पांडे, ये चार मैं ऑफकोर्स बैट्समैन शामिल कर लूंगा। चारों के चारों अच्छी बैटिंग कर रहे हैं दोस्तों। तो ऑलराउंडर में जाते हैं, ऑफकोर्स जेसन होल्डर को हमें सिलेक्ट करना होगा। पॉइंट्स भी कम है उनके, 8.5 में ही मिल रहे, और पिछले मैच में 91 पॉइंट्स उन्होंने अकेले एक सिंगल मैच में एज अ प्लेयर दिए दोस्तों, तो इनको सिलेक्ट करना बनता है। ऑफकोर्स हम जाएंगे विजय शंकर को भी सिलेक्ट कर लेंगे, पिछले मैच में इन्होंने भी एक 50 लगाया था और एक विकेट भी चटकाई थी। देखो दोस्तों 97 पॉइंट एज अ प्लेयर उन्होंने पिछले मैच में दिए थे। ऑफकोर्स कप्तान अभी उनको बॉलिंग में भी भरोसा कर रहे हैं और अभी बैटिंग में भी टच में आते हुए नजर आ रहे हैं, तो मैं इनको भी ले लूंगा। 8 पॉइंट्स में भी मिल रहे, काफ़ी अच्छा पिक रहेगा। अगर बॉलिंग की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर भी मैं एक रिस्क उठा रहा हूँ। मैं अभी रशीद खान को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 25 पॉइंट्स है और मुझे अभी भी तीन प्लेयर सिलेक्ट करने हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं शमी को उठा लूंगा यहाँ पे। शमी उठाने के बाद अभी मेरे पास सिर्फ 16 पॉइंट बचे दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 पॉइंट बचे और अभी भी मुझे दो प्लेयर्स को शामिल करना है। तो मैं शमी को उठाने के बाद अभी 8 पॉइंट के दो प्लेयर मुझे शामिल करने हैं। मैं सबसे पहले जाऊंगा अर्शदीप सिंह के साथ, अर्शदीप सिंह को मैं सिलेक्ट कर लूंगा दोस्तों। तो हम देखते हैं अर्शदीप सिंह, ठीक है दोस्तों मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ। इन्होंने भी अच्छे पॉइंट्स दिए, देखिए उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, भले पिछले मैच में कुछ नहीं विकेट मिला उनको, फिर 70, 37, 27, 48 मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 8 पॉइंट्स में भी हमें मिल रहे तो हमारे लिए एक अच्छा पिक होगा। अगर दूसरे 8 पॉइंट के और एक प्लेयर की बात की जाए तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। मैं जाना चाहता हूँ खलील अहमद के साथ, बट पिछले दो मैचों में उनको चांस नहीं मिला है, इस वजह से मैं अभी उनको शामिल नहीं कर रहा हूँ। बट संदीप शर्मा जो है, जो एक कांस्टेंट प्लेइंग 11 का हिस्सा है, तो इस वजह से मैं अभी संदीप शर्मा को सिलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। अगर चेंजेस होते हैं तो खलील अहमद के साथ भी हम जा सकते हैं, इस वजह से अगर कल मतलब 7 बजे के बाद जब भी टीम अनाउंस हो जाएगा, अगर खलील अहमद आते हैं तो ऑफकोर्स मैं खलील अहमद के साथ भी जाऊंगा दोस्तों यहाँ पे 8 पॉइंट्स में। तो दोस्तों ये मेरे प्लेइंग 11 क्रिएट हो जाता है। अगर हम टीम प्रीव्यू कर ले तो मैंने दो विकेट कीपर लिए, ऑफकोर्स दोनों तरफ के बेस्ट प्लेयर्स दोनों वही है, लोकेश राहुल, जॉनी बेरिस्टो, मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, मनीष पांडे और डेविड वार्नर को मैंने एज अ बैट्समैन सिलेक्ट किया है। विजय शंकर और जेसन होल्डर मेरे दो ऑलराउंडर रहेंगे। अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी और संदीप शर्मा, ये मेरे तीन बॉलर्स रहेंगे दोस्तों, स्पेशलिस्ट बॉलर। तो दोस्तों ये रहेगा मेरा कल के लिए फर्स्ट टीम जो मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट टीम रहेगा। अभी इसमें कैप्टन, वाइस कैप्टन ऑफकोर्स लोकेश राहुल के साथ आप जा सकते हैं, बेरिस्टो के साथ जा सकते हैं। लोकेश राहुल, बेरिस्टो, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपके लिए बन जाएगा, या फिर अग्र वार्नर के साथ भी आप जा सकते हैं, पांडे के साथ आप जा सकते हैं, अग्रवाल भी आप ऑफकोर्स जा सकते हैं दोस्तों, बट मेरे हिसाब से चारों ज़्यादा सेफ ऑप्शन आपके लिए रहेंगे। तो ये इस टीम के हिसाब से कैप्टन, वाइस कैप्टन हो गए दोस्तों जो सेफ ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। अभी और एक मैं टीम आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ जिसमें मैंने और थोड़ा एक रिस्क लिया है, बट एक प्लेयर को निकाल के मैं दो अच्छे प्लेयर शामिल करूंगा दोस्तों। तो चलिए मैं इस टीम को डिस्कार्ड कर रहा हूँ अभी के लिए, क्रिएट टीम वापस कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे सरप्राइजिंग डिसीजन ये होगा दोस्तों, मैं लोकेश राहुल को नहीं शामिल करूँगा। अभी जो ये टीम बनेगा ना दोस्तों, ये पुराना जो पंजाब और सनराइजर्स का मैच था उसके हिसाब से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बनाऊँ, तो उधर जिन्होंने परफॉर्म किया था मैं उनको सिलेक्ट कर रहा हूँ। जॉनी बेरिस्टो को करूँगा, निकोलस पुरन को ऑफकोर्स करूँगा, वार्नर, अग्रवाल, गेल और मनीष पांडे, इन सबको मैं शामिल कर लूँगा दोस्तों। प्रियम गर्ग को मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ, बट वो भी एक अच्छा पिक आपके लिए हो सकता है अगर 8 पॉइंट में आपको कुछ चाहिए तो। जेसन होल्डर ऑफकोर्स रखूँगा, विजय शंकर को भी रखूँगा, यहाँ पे मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। और बॉलिंग में ऑफकोर्स अभी मुझे रशीद खान मिल रहे हैं दोस्तों, रशीद खान को मैं शामिल कर लूँगा, मोहम्मद शमी को शामिल करूँगा, और अगर आप चाहते हैं तो आप नटराजन के साथ जा सकते हैं या फिर रवि बिश्नोई के साथ भी आप जा सकते हैं। देखिए दोस्तों दो ऑप्शन बेस्ट रहेंगे आपके लिए, एक तो बिश्नोई, एक तो नटराजन। तो दोस्तों दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना है अभी के लिए, ठीक है मैं बिश्नोई के साथ जा रहा हूँ। तो ये टीम देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क लिया है कि मैंने केएल राहुल को ड्रॉप किया है, बट जैसे कि मैंने केएल राहुल को ड्रॉप किया, मैं निकोलस पुरन और रशीद खान दो प्लेयर्स को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ दोस्तों, दो अच्छे प्लेयर जो मैंने ड्रॉप किए थे पिछले टीम में, फर्स्ट टीम में। तो दोस्तों ये एक रहेगा मेरा दूसरा बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए।
तो ये बनता है मेरा दूसरा कॉम्बिनेशन, निकोलस पुरन रहेंगे, बेरिस्टो रहेंगे, राहुल को मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया है। थोड़ा बड़ा रिस्क लिया है बट ऑफकोर्स रिस्क लेना बनता है इस मैच में। मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, पांडे, वार्नर, यहाँ पे मैंने कोई चेंज नहीं किया है। विजय शंकर, होल्डर भी सेम रखे हैं मैंने, और यहाँ पे मुझे और चेंजेस करने के मौके मिल गए हैं। मेरे को 8-8 पॉइंट्स के जो दो बॉलर लेने पड़े थे उससे अच्छा मुझे अभी यहाँ पे रशीद खान मिल गए, बिश्नोई मिल गए, और मोहम्मद शमी तो हमारे पास रहेंगे ही दोस्तों। तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन एक बेस्ट कॉम्बिनेशन मुझे बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों, जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है। अभी फिर से कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ऑफकोर्स अगर आप पहली टीम में जा रहे हो तो केएल राहुल तो एक बेस्ट ऑप्शन है ही, तो भी यहाँ पे जो है जॉनी बेरिस्टो आपके लिए ऑफकोर्स ऑप्शन रहेंगे, डेविड वार्नर रहेंगे, पांडे जी रहेंगे और अग्रवाल रहेंगे, ये चार बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। ऑफकोर्स थोड़ा रिस्क है क्रिस गेल को कैप्टन बनाने में, बट आप उनके साथ भी कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जा सकते हैं। और जो पिछले मैच में बेस्ट परफॉर्मर रहे थे जेसन होल्डर, उनको भी आप किसी लीग में ट्राई कर सकते हैं। ऑफकोर्स आप मल्टीपल टीम्स अगर लगा रहे हैं तो मल्टीपल कैप्टन वाइस कैप्टन आप ट्राई कर सकते हैं। बट दोस्तों टीम बहुत अच्छे बने हैं, दोनों के दोनों जो टीम है बहुत ज़बरदस्त टीम बने हैं दोस्तों। आप कैप्टन वाइस कैप्टन ऑफकोर्स चेंज कर सकते हैं, बट दोस्तों मेरे हिसाब से टीम में ज़्यादा चेंजेस मत कीजिएगा। ऑफकोर्स मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ दोस्तों, कुछ सोच समझ के ही कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरी दोनों टीम्स पसंद आती है, अगर मेरा वीडियो, मेरे एनालिसिस पसंद आता है, तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों वापस बता दूं कि कल दो मैचेस रहेंगे, फर्स्ट मैच का भी आपको जो एनालिसिस है एंड वीडियो है मिल जाएगा, आपको यहाँ पे ऊपर भी मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और ये रहेगा दूसरा मैच दोस्तों, ये दूसरा मैच का वीडियो मैंने आपको दे दिया है, टीम भी मैंने आपको दे दी। आई होप आपके लिए अच्छा रहे और आप अच्छा विनिंग करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों।